हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एमबीडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टाइप बार वैक्सीन की, यानी कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि एक इंजेक्शन में टाइफाइड डर से ख़त्म कब तक। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैन मुद्दा होता है कि टाइफाइड क्यों होता है, किस तरह से होता है, क्या ऐसी वजह होती है टाइफाइड हो जाता है, किस कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण यह टाइफाइड हो जाता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं किस बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया जो होता है इसका, वो सल्मोनेला नाम से एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये होता है। ये क्या होता है, ये हमारे छोटे हाथ के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, जिससे लीवर, तिल्ली और बोन मैरो की WBC के जरिए हमारे ये बॉडी में फैल जाता है, जिससे हमें टाइफाइड हो जाता है। अब इसके रोकथाम करने के लिए तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो है दोस्तों, वो वैक्सीन का ही इसका होता है। टाइप बार वैक्सीन का सबसे अच्छा रिजल्ट होता है, यानी कि इसका अब प्रयोग करना कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग जो करना होता है, सबसे पहले अगर आपको टाइफाइड है तो आप किसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, उसका इलाज कीजिएगा। इलाज करने के बाद में जब आपका टाइफाइड निगेटिव हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद इस वैक्सीन का प्रयोग कर लीजिएगा। आपको क्या है, कूले में ये लगानी है 0.5 ml, यानी कि आधा ml की डोज आपको कूले में लगा लेनी होती है, और अगली डोज लगती है उसके 3 साल के बाद लगती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस वैक्सीन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट बहुत कम है, जैसे कि नोसिया हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है, और पेट दर्द हो जाता है, और दस्त भी हो जाते हैं। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है दोस्तों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दोस्तों, जिन व्यक्ति को बॉबल इन्फ्लामेटरी हो, यानी कि आंतों में इन्फेक्शन हो, उन व्यक्ति को इस वैक्सीन का प्रयोग नहीं कराना उस टाइम पर। और जो व्यक्ति ज़्यादा ही वीकनेस है, कमज़ोर है, तो उस व्यक्ति में भी इसका प्रयोग नहीं कराना है। और 2 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इसका प्रयोग, और हाइपर सेंसिटिविटी में भी इसका प्रयोग नहीं कराना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।